वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ चैप्टर कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। अभी तक हमने लूप्स के इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एक लूप को स्टडी करा जिसका नाम है फॉर लूप। आज एक दूसरा लूप स्टडी करने जा रहे हैं और उस लूप का नाम है दैट इज व्हाइल लूप। तो चलिए जानें कि भाई व्हाइल लूप का क्या पर्पज होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब जैसे मैंने बोला कि एक फॉर लूप है और व्हाइल लूप है, ये दोनों जो हैं लूप्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि भैया फॉर लूप भी है व्हाइल लूप भी है, दोनों तरह के लूप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो अब कौन सी सिचुएशन में मैं फॉर लूप को प्रेफर करूँ या कौन सी सिचुएशन में मैं व्हाइल लूप के कंसेप्ट को प्रेफर करूँ। ठीक है, पहले मैं आपको व्हाइल लूप का सिंटेक्स बता देता हूँ कि व्हाइल लूप को लिखने का जो सिंटेक्स है वो कैसा है। इसमें हमने पहले व्हाइल लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में रहेगा, देन उसके बाद आप जो भी कंडीशन है वो कंडीशन लिखिए, देन कोलन, ठीक है, और फिर जो भी स्टेटमेंट व्हाइल लूप के अंडर आएंगी वो सारी की स्टेटमेंट थोड़ा सा गैप देके, जैसे इंडेंटेशन के साथ आएंगे, जैसे स्टेटमेंट वन है और ये स्टेटमेंट मान लीजिए टू है, और फिर मान लो मैंने स्टेटमेंट थ्री लिखी। सो अब यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इस व्हाइल लूप के साथ ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ही एसोसिएटेड है, ये दोनों ही इस व्हाइल लूप के साथ जुड़ी हुई हैं, दैट इज स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट नंबर टू, ये दोनों इस व्हाइल के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और जैसे कि स्टेटमेंट नंबर थ्री आप देख रहे हैं कि व्हाइल के इंडेंटेशन वाले पॉइंट से बाहर आ रखी है, तो ये फिर व्हाइल लूप से नहीं जुड़ी हुई, ये सिंपल स्टेटमेंट अपनी अलग से है। सो बेसिकली द स्टेटमेंट विच इज कंबाइंड विद दिस व्हाइल लूप आर स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ओके, सो बेसिकली दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द व्हाइल लूप, दैट यू हैव टू राइट द व्हाइल, देन यू हैव टू राइट द कंडीशन, देन कोलन, एंड अंडर द व्हाइल लूप वट एवर स्टेटमेंट यू वॉन्ट टू एसोसिएट विद दिस व्हाइल लूप यू हैव टू राइट दोज स्टेटमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन गैप। ओके, नाउ ये तो हमारा हो गया सिंटेक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि भाई अब मुझे ये जानना है कि इन विच सिचुएशंस आई एम गोइंग टू प्रेफर व्हाइल लूप एंड इन विच सिचुएशन आई एम गोइंग टू प्रेफर द फॉर लूप। ओके, सो मुझे अब उस सिचुएशन को समझना है थोड़ा सा। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सपोज द क्वेश्चन विद मी इज कि थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं अपना। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट ऑफ ऐसे लिख देते हैं थ्री डिजिट नंबर। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया है कि आपको एक फाइंड करना है सम ऑफ डिजिट्स किसी भी थ्री डिजिट नंबर का। मतलब जैसे सपोज अगर आपने कोई थ्री डिजिट नंबर दे दिया, सपोज आपने दे दिया दैट इज 634। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, सम में 6 + 3 + 4, तो 6 + 3 9 एंड 9 + 4 = 13, सो अवर आंसर विल बी 13। सो हमें एक ऐसा कोड डिजाइन करना है कि दैट इफ यूजर गिव एनी नंबर विद बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री डिजिट्स, तो वो उन नंबर्स के डिजिट्स का सम निकाल सके। सो अब सोचना ये है कि भैया ये काम होगा किस तरह से, यानी कि इसके पीछे लॉजिक क्या हम बिल्ड करेंगे। तो चलिए अब उस लॉजिक को समझते हैं कि कैसे ये निकाला जाएगा। सो मान लो कि जो नंबर हमें मिला हुआ है दैट इज 635 है, या 634 ले लेते हैं जैसे ऊपर हमने दे रखा है, एंड वी हैव टेकन अनदर वेरिएबल दैट इज सम और इनिशियल वैल्यू हमने सम को दे दी दैट इज 0। ठीक है, अब क्या करना है, कैसे आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है, आप जरा देखें उसके बारे में। अब देखो मेरे पास जो नंबर है वो है 634 और सम नाम के वेरिएबल में इनिशियली मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या करें कि जिससे हमारे पास भाई डिजिट्स का सम आए, अब उस कंसेप्ट को हमने देखना है। अच्छा, अब देखो क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं, यहाँ पे पहले मैं आपको शो करता हूँ उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। जैसे नंबर हमारा है 634, ठीक है, अब सपोज अगर ये जो नंबर मेरे पास आया है जिस जो दैट इज 634 है, अगर मान लो इस नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है जी, और डिवाइड किससे करता हूँ, मान लो मैं इस नंबर को डिवाइड करता हूँ 10 से,
तो ऑब्वियसली हमें पता है 10 से जाएगा तो ये 63 से चला जाएगा, और यहाँ पे जो है आपका जो नंबर आ जाएगा दैट इज 630, ठीक है। और जब इसको आप माइनस कर लेंगे, जैसे कि हम लोग नॉर्मल डिवीजन में करते भी हैं, सो आपके सामने नीचे जो बच्चा आएगा दैट इज 4, ठीक है। आई होप आप सबको ये कैलकुलेशन तो क्लियर ही होगी। सो इस कैलकुलेशन के अंदर ये जो बेसिकली इधर आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द, जो कि यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। और जो यहाँ नीचे ये बच जाता है वी कॉल इट एज रिमाइंडर, ठीक है। चलो ये तो पता लग गया ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको 10 से डिवाइड करने का, वो क्या है? देखो, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 10, देन यू कैन ऑब्जर्व दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द दैट नंबर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, ठीक है। जो लास्ट डिजिट है उस नंबर का वो हमेशा रिमाइंडर में आएगा इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 10, और लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी सारा डेटा इन एज अ क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे अपेयर होगा। क्लियर थी बात? सिंपल सी बात दिख रही है यहाँ पे, इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 10 देन ऑब्वियसली यू विल गेट द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर एज अ रिमाइंडर एंड रेस्ट ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर एज अ क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ अभी इस लॉजिक को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। ओके, सो चलिए, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने कहा मुझे दिख रहा है कि अगर मैं किसी भी नंबर को मॉड करता हूँ 10 से, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने नंबर लिखा, अब नंबर मेरा 634, मैंने उसको मॉड कर दिया 10 से, तो ऑब्वियसली आपको पता है, जैसे यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देख ही ली है कि दैट वी विल गेट द रिमाइंडर एज 4, ठीक है। सो लेट्स डू वन मोर थिंग, यहाँ पे हम इस नंबर की जगह एक वेरिएबल लेते हैं। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे आर, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू, ये नम मॉड 10 है तो 634 मॉड 10 हमारे पास 4 आ जाएगा। सो नाउ वंस दिस स्टेटमेंट, ये आर इज इक्वल टू नम मॉड 10, जब ये स्टेटमेंट जैसे ही ओवर होगी, सो व्हाट वी विल गेट द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर एज द रिमाइंडर, ठीक है जी। वो लास्ट डिजिट जो भी है उस नंबर का, वो हमें एज अ रिमाइंडर के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। नाउ वंस वी गेट द लास्ट डिजिट, अब हम क्या करेंगे? अब मैंने कहा मुझे तो सारे डिजिट्स को सम करना है, अब चलो एक मेरे पास एटलीस्ट एक डिजिट तो आ गया ना, तो क्यों ना मैं जो मेरे पास अभी एक डिजिट आया मैं इसको ऐड कर दूं। तो मैंने यहाँ पे करा सम इज इक्वल टू सम प्लस आर, ठीक है। तो जी सम के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू डली हुई थी? सम तो फिलहाल स्टार्टिंग हमारा 0 था, बट राइट नाउ भी आर के अंदर क्या है? 4, तो 0 प्लस 4 इज 4, ठीक है। सो अब हमारे पास जो सम है, सम नाम का जो वेरिएबल है उसको एक नई वैल्यू मिल गई दैट इज 4। चलिए ये भी स्टेप हो गया हमारा। नाउ आफ्टर दैट, अब देखो मैंने नंबर में से लास्ट डिजिट निकाल के उसको ऐड तो करवा दिया, इतना काम तो हो गया मेरा, लेकिन अब जो बाकी डिजिट है, ठीक है, जैसे सपोज मान लो मैं कहता हूं कि यार अब मैं चाहता हूं कि अभी नंबर में से 4 हट जाए। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करें यहां पे, इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 10 द क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट को अगर आप हटा दें तो लास्ट डिजिट के बाद जितना भी डेटा है वो आपको एज अ क्वेश्चन के तौर पे मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां पे लिखूं नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10, क्योंकि आपको पता है अगर सिंगल डिवीजन का लूंगा तो डेसिमल में आएगा आंसर, जो कि मुझे नहीं चाहिए। सो नम विल गेट द न्यू वैल्यू, और वो कैसे होगी? करंट वैल्यू ऑफ नम दैट इज 634, फ्लोर डिवीजन 10, सो वी नो दैट जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा, क्योंकि 63 एज अ क्वेश्चन के तौर पे आ जाएगा, सो नम विल गेट द वैल्यू 63। सो आफ्टर दिस फर्स्ट पास नम के अंदर वैल्यू आ चुकी है दैट इज 63 एंड सम के अंदर वैल्यू आ चुकी है 4, ठीक है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज अवर 3 डिजिट नंबर का कोड है, सो फर्स्ट डिजिट के लिए तो हमने ये पहली बार जब फर्स्ट प्रोसेस चला तो फर्स्ट डिजिट का तो ऐड हो गया, लेकिन अब एलिमेंट्स के बाकी डिजिट्स को भी तो ऐड करना है, तो अब ये सेकंड एक बार और हम इस काम को चला रहे हैं सो दैट जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स हैं उस नंबर के उनको भी हम यूटिलाइज कर सकें। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, सपोज मान लो मैंने लिखा आर इज इक्वल टू नम मॉड 10, ठीक है। दोबारा से यही सेम टू सेम स्टेप कर रहा हूँ। नाउ अब आर के अंदर नई वैल्यू क्या आएगी? अब नम की करंट वैल्यू हो चुकी है 63, 63 मॉड 10,
तो 63 को जब 10 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द रिमाइंडर एज 3। जैसे कि अगर हम यहाँ पे करके भी देख लेंगे कि अगर 63 है एंड इफ आई वांट टू डिवाइड द 63 बाय 10, ठीक है जी, इफ यू डिवाइड दिस 63 बाय 10 तो ऑब्वियसली यू नो कि भाई ये अब जब डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 6 से जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यू विल गेट 60, ठीक है जी, एंड आपको रिमाइंडर के तौर पर क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट दैट इज 3 मिल जाएगा यहाँ पे। ओके सो चलिए अब ये कंसेप्ट भी हमने देख लिया, तो अब इसी के अकॉर्डिंगली चला हमने, जब यहाँ पे 63 मॉड 10 करा तो वी विल गेट द रिमाइंडर एज 3। अगेन फिर वही काम, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर। ओके सो सम इज इक्वल टू, नाउ राइट नाउ अब सम की करंट वैल्यू क्या चल रही है, अभी इस स्टेज में सम की करंट वैल्यू है 4 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 3, तो 4 प्लस 3 इज 7। ओके क्या एंड आफ्टर गेटिंग द सम, अब हमें पता है जो अगला हम काम करेंगे नंबर, जैसे नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है, सो नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर हमारा 63 फ्लोर डिवीजन 10, सो इन दैट केस वी विल गेट द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ नम एज 6, क्योंकि आप देख लो 63 को आप 10 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द वैल्यू एज 6, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हमारे पास नंबर की जो नई वैल्यू आ गई है वो 6 हो चुकी है और सम की वैल्यू जो है हमारे पास दैट इज 7 आ चुकी है, ठीक है। सो अब हम ये जो बेसिकली जो तीसरा डिजिट है, क्योंकि अभी तक अगर मैंने देखा होगा कि मैंने 4 और 3 दो डिजिट्स तो इस नंबर के ऐड कर लिए, अब मुझे जो थर्ड डिजिट है उसको देखना है, तो चलिए अब यही सेम टू सेम प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या आएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। सो अब यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू 6 मॉड 10। अब जरा इसकी डिवीजन हम देखेंगे ये भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा। चलिए तो अब मुझे 6 को डिवाइड करना है और 6 को डिवाइड किससे करना है, मुझे यहाँ पे 10 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। अच्छा अब ये 10 वन ज़ा 10 होता है, ये 10 से तो जाए नहीं, 1 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा भाई। सो मुझे पता है यार ये किसी भी मतलब अपना 10 के टेबल में जा ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये उससे बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 जीरो से कर दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड यू विल गेट द रिमाइंडर एज 6, क्योंकि हमें डेसिमल में तो जाना ही नहीं है ना। अगर मैं सपोज वैसे अगर करना चाहूँ तो मुझे पता है एक डेसिमल लग जाएगा, ये 60 हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा, लेकिन मुझे डेसिमल में तो जाना ही नहीं है। सो ऑब्वियसली ये डिवीजन कैसे होगी, यहाँ पे 0 लग जाएगा और फिर ये 0 से जाएगा, 10 0 से 0 ही होता है, फिर ये 6 आ जाएगा। सो नाउ इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो हमें आर की वैल्यू अब मिल जाएगी दैट इज 6 मिल जाएगी, ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई। चलिए अब इसको सम में ऐड कर दें, सम इज इक्वल टू सम प्लस आर। सो सम की करंट वैल्यू कैसे हो जाएगी, तो करंट वैल्यू ऑफ सम इज 7 और आर हमारा पास 6 निकला, तो 7 प्लस 6 इज 13, ठीक है, और फिर वही अगेन नंबर इज इक्वल टू नंबर फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है। सो अब नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 6 फ्लोर डिवीजन 10, सो यू नो कि अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 0। सो फाइनली नम जो है अपना लास्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। सो हमने ये कोड बना दिया पहले पूरा। अच्छा अब हमें दिखा यहाँ पे कि इस कोड के अंदर जो हम क्या कर रहे हैं यार, एक तो ये वाली स्टेटमेंट है दैट इज आर इज इक्वल नम मॉड 10, दूसरी सम इज इक्वल टू सम इन टू आर, और तीसरी है नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। इन्हीं तीन स्टेटमेंट को हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, 3 बार रिपीट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लेकर एक कोड तैयार करते हैं, इस कोड में हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी अपना पाइथन के एडिटर को ओपन करता हूँ। हाँ जी अब एक फाइल में गए और एक नई फाइल ओपन कर ली हम लोगों ने, ठीक है, और मैंने जो बेसिकली कोड बनाया है मैं उस कोड के अकॉर्डिंगली इस नई फाइल में कंटेंट अपना जो प्रोग्राम बनाऊंगा। तो पहला मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहले नंबर ले लो, तो मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर द नंबर, नंबर मिल गया। एक सम ले लो उसको 0 इनिशियली, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सम 0 लिया था। अब देखो नंबर तो हमें 634 है वो तो यूज़र से मिल जाएगा, बाकी सम 0 है, और यहाँ पे एंटर द नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एंटर द
थ्री डिजिट नंबर, क्योंकि हमारा कोड थ्री डिजिट नंबर के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। चलिए अब मुझे पता है कि मुझे ये वाला काम जो है कितनी बार रिपीट करना है, थ्री बार ना, क्योंकि भैया बेसिकली जो मेरा नंबर है थ्री डिजिट का ही है। सो मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन रेंज, अब मुझे 1,4 लिखूंगा, 1,4 को लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं 4 से एक कम तक चलेगा ना, तो जब एक बार आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 तीन नंबर्स ही जनरेट करेगा। अच्छा, इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, स्टेटमेंट जो है मेरी r इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, एक तो ये स्टेटमेंट होगी, देन सम इज इक्वल टू सम प्लस r, दूसरी ये स्टेटमेंट होगी, और थर्ड num फ्लोर डिवीजन 10, ठीक है, तो ये होगा। और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि जो सम हमारा है उसके अंदर देखो यहाँ पे जो 13 आ गया था ना, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो थर्ड उसके अंदर आ रहा है, नम के सम के अंदर। तो हम लिख देंगे प्रिंट सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज इक्वल टू कॉमा सम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना आप यहाँ पर, ये जो सम लिख रहा हूँ अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सम वैल्यू है इसका ना कलर थोड़ा डिफरेंट है। जैसे आप देखो, जैसे इंट का, इनपुट का, रेंज का, जैसे पर्पल कलर आ रहा है, तो ये सम का भी पर्पल कलर आ रहा है, बाकी और देखो किसी में नहीं है, आर में नहीं है, यहाँ पे भी नम में नहीं है, ऐसा क्यों? एक्चुअली सम जो है ना एक फंक्शन है इसके अंदर, पाइथन के अंदर, ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि फिलहाल अभी हम सम की जगह एस नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, बिकॉज अदरवाइज नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सम एक फंक्शन है और मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल आपको अलग से कलर में दिखाई दे रहा है जिसमें इंट या इनपुट ऐसे वेरिएबल कीवर्ड्स अगर हों, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि यानी कि वो वर्ड कोई रिजर्व वर्ड है, मतलब कोई फंक्शन है कुछ ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। सो चलिए हमने बना लिया, लेट्स इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने इसको P9 नाम दे दिया। अच्छा, अब मुझसे कोई सा भी थ्री डिजिट नंबर मांग रहा है, मैंने 785 दे दिया, तो देखो मेरे पास सम आ गया है 20। तो आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप 7 प्लस 8 करेंगे तो 15 आएगा, 15 प्लस 5 इज 20। सो कोई भी थ्री डिजिट नंबर का मेरे को सम निकल के मिल सकता है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो क्वेश्चन मेरा हो गया, लेकिन अगर सपोज मान लो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते, चेंज करने का मतलब यानी कि मान लो मैं इस क्वेश्चन में से ये थ्री डिजिट वाला बात हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी सी जो बात को समझने की कोशिश करनी है आपने, वो ध्यान से देखेंगे अब यहाँ पे ज़रा कि क्या मैं बताना चाह रहा था। देखो, फॉर लूप जो है हमारा वो मेनली उन सिचुएशंस के लिए बेस्ट रहता है, ठीक है। जो फॉर लूप है हमारा वो बेसिकली कौन सी सिचुएशंस के लिए बेस्ट रहता है, ये उन कंडीशंस के लिए बेस्ट होता है जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि काम को कितनी बार करना है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि काम को कितनी बार करना है ये चीज़ हमें नोन हो, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, तो जैसे मान लो अगर कोई मुझे 5 एम्प्लॉयज़ का करना होता था, या सपोज मान लो 7 लाइंस का ट्रायंगल बनाना होता था, या n नंबर ऑफ लाइंस का ट्रायंगल बनाना होता था, तो मुझे पता होता था कि हाँ भाई काम को कितनी बार करना है। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन आ सकती है मेरे लिए, वाइल लूप को हम कौन सी सिचुएशन में प्रेफर करते हैं, देखो जब आपको नंबर ऑफ टाइम्स कि काम को कितनी बार करना है ये आपके पास अननोन, आपको नहीं पता काम को कितनी बार करना है। अब ज़रा इन दोनों को, इस क्वेश्चन को ज़रा कंपेयर करते हैं स्टेटमेंट से। देखो, पहले मेरे पास एक क्वेश्चन था कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर, तो यानी कि मुझे पता था कि मेरे को जो भी यूज़र नंबर देगा देगा थ्री डिजिट का ही, देगा थ्री डिजिट का ही, तो मुझे पता था मुझे काम को कितनी बार करना है, यहाँ पे 3 बार करना है। इसीलिए मैंने जो अपना फॉर लूप यहाँ पे डिज़ाइन किया वो इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो 3 बार ही चले, ठीक है। लेकिन अब मेरे क्वेश्चन में चेंज क्या आ गया, क्वेश्चन में चेंज ये आ गया है कि यहाँ पे बोल दिया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, लेकिन ये तो बताया नहीं है ना कि ये नंबर 3 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, 5 डिजिट का है। भाई जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा ये नंबर कितने डिजिट का है, तो ये लूप मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा,
ठीक है, ये 1.4 लिख दिया था मैंने क्योंकि मुझे पता था कि 3 डिजिट का नंबर है, तो ये 1.4 लिखने से लूप 3 बार चलेगा। लेकिन जब मुझे यही नहीं पता कि मेरा जो नंबर दिया जा रहा है वो 2 डिजिट का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, कितने का है, तो मैं ये लूप कैसे सेट करूँ। अब हमने कहा यार फिर क्या करें, तो यानी कि अब हमारे सामने एक सिचुएशन पहले थी जहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स हमें नोन था कि हमें 3 डिजिट नंबर का करना है, तो ऑब्वियसली काम हमें 3 बार करना है। लेकिन अब मेरे सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें मुझे यही नहीं पता कि काम को कितनी बार करना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार होगा मुझे नहीं पता यार। तो ऐसे केस में जहाँ पे आपको ये अननेम अननोन की केस आ जाता है, तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ना कंडीशन को सर्च करते हैं। क्या करते हैं, कंडीशन को सर्च करते हैं कि भाई कब तक मैक्सिमम ये काम करना पड़ सकता है, और जब तक ये हम ऐसी कंडीशन निकालते हैं कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी काम होता रहेगा, और एज सून एज जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी काम रोक देंगे, और इस कंडीशन को हम वाइल लूप के साथ मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, अब जरा देखो क्या मतलब, आज जब जैसे मेरे सामने क्वेश्चन आया राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, तो मेरे को ये वाली वैरायटी नजर आ गई क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स मुझे अननोन है। तो अब ऐसे केस में मुझे एक कंडीशन सर्च करनी है कि भाई जिस कंडीशन के सही होने तक काम करना है और गलत होने पर रुक जाना है। अब देखो जरा यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से देखो, जब ये लूप कोड मेरा खत्म हुआ तो मेरे लास्ट में जो नम वाम का जो वेरिएबल मैं लेके चल रहा था, फाइनली लास्ट में इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में इसकी वैल्यू आ गई 0। यानी कि नंबर मेरा था 634, फर्स्ट फेज के बाद वो नंबर रिड्यूस होकर 63 हुआ, देन उसके बाद नेक्स्ट फेज में वो नंबर 6 हुआ, और लास्ट में वो फाइनली क्या हुआ, 0 हो गया। अगर मैं कोई सा भी नंबर दे दूँ, सपोज मान लो मैंने एक नंबर दे दिया यहाँ पे, कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूँ कि मान लो मैंने 65536 दे दिया, तो मुझे पता है जब ये फर्स्ट फेज के बाद ये नंबर रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 6553, फिर थर्ड फेज में 655, फिर 65, फिर 6, और फाइनली क्या होगा, ये नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली लास्ट में इस नंबर ने क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ठीक है भाई, चाहे 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जब भी हो, जब तक ये नंबर 0 नहीं होता तब तक मुझे काम करते रहना है। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे नहीं पता कि 3 बार में हो जाएगा, 4 बार में, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि यूज़र नंबर कितने डिजिट्स का देगा। तो यहाँ पे अब हम इस फॉर लूप की जगह क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे वाइल लूप, और वाइल में लिख दूंगा कि भाई जब तक नंबर की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 ना हो जाए, जब तक ये 0 के बराबर नहीं होगी चलता रहेगा। तो देखो उसके सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज दिस, ठीक है, और यहाँ पे एंटर द 3 डिजिट की जगह हम लोग लिख देंगे एंटर द नंबर। ठीक है, अब जैसे उसको रन करके देखिए, अब कोई सा भी मैंने दे दिया 7458, मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का दे दिया, तो देखो आंसर आ गया मेरे पास 24, आप ऐड करके देख लो, दैट इज 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16, एंड 16 + 8 = 24। कल को सपोज मान लो मुझे, अगर मैं यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर देता हूँ, मान लो 45 दे दिया तो आ गया 9। सो अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 3 डिजिट का ही देना है, आप जितने मर्जी डिजिट का नंबर दो ये उसको निकाल के दे देगा। ठीक है, सो ये आपका कोड आपकी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा जो हम करना चाहते थे। ठीक है जी, सो आप लोगों ने ये ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, और ये जो है ये उसका कोड होगा जो आपने इसके साथ में नोट कर लेना है। ठीक है जी, तो ये आप जो है अपना नोट कर लीजिए पहले वाइल लूप के ऊपर। करना कैसे है, पहले आप वाइल लूप का ये सिंटैक्स आप ये लिखेंगे, पहले वाइल लूप के ऊपर हेडिंग डालेंगे, उसके बाद वाइल लूप का सिंटैक्स लिखेंगे, ये जो सिंटैक्स है, और सिंटैक्स लिखने के बाद आपने ये क्वेश्चन लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, और क्वेश्चन के साथ उसकी ये कोडिंग लिख देनी। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये हमने वाइल लूप से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखा, ठीक, जिससे हमें ये भी पता लग गया कि उस काम को कैसे हमने परफॉर्म करना है। ठीक, इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि मैं पहले इसको, आपने नोट कर लिया होगा, मैं अब इस कोड को मिटा रहा हूँ सारा, ठीक है, सो दैट अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम काम कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भी राइट अ प्रोग्राम
टू चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, कि जो नंबर आपको दिया जाएगा वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। नाउ अब दिमाग में आया कि यार आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता भाई, ठीक है आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए बोल तो रहे हैं लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, अब हमें ये कैसे पता लगेगा। देखो एक नंबर मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे एक नंबर है मेरे पास दैट इज 153, ठीक है ये नंबर है। अच्छा अगर मैं इसके हर एक डिजिट का क्यूब करूँ, जैसे मान लो 1 का भी क्यूब कर दिया प्लस फिर मैंने 5 का भी क्यूब, ठीक है जी, और प्लस फिर मैं लास्ट जो अपना यहाँ दैट इज 3 है, 3 का भी अगर क्यूब करता हूँ, ठीक है ज़रा क्यूब निकाल के इनको ऐड करें ज़रा हम लोग यहाँ पे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 5 का क्यूब करूँगा तो ये यार 125 बन जाएगा, ठीक है, और 3 का क्यूब करूँगा तो ये अपना 27 आ जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे आपको क्या आंसर मिलेगा, दैट इज 153, ठीक है जी, तो आंसर आपको मिलेगा 153। तो इसका मतलब जो ऐसा नंबर जिसके हर एक डिजिट का क्यूब ऐड करने पर वही सेम टू सेम नंबर बन जाता है, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में हमने देख लिया, अब यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था थोड़ा टाइम पहले कि जिसमें हम लोग बेसिकली वो कर रहे थे क्या नाम है सम ऑफ ये वाला, इसी कोड को मैं जरा एक बार कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी किया सेम टू सेम और जो नई वाली फाइल थी इसमें मैंने इसको पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होता था, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती थी तो होता क्या था, जो नंबर है उस नंबर में से एक डिजिट निकल जाता था, ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइम में जैसे 634 में से 4 निकल आया था और हम उस डिजिट को यहाँ पे सीधा सम में ऐड कर देते थे। लेकिन अब हम सीधा उस नंबर को सीधा ऐड नहीं करेंगे बल्कि अब हम क्या करेंगे, उस नंबर का क्यूब ऐड करेंगे, क्योंकि आपको हमें देखा ना, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी डिजिट्स आए हर डिजिट का क्यूब ऐड करना है। तो ठीक है जब हमने डिवीजन का प्रोसेस अपना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम आर के अंदर एक डिजिट आएगा, मतलब जो नंबर है उसका लास्ट वाला डिजिट आ जाएगा, फिर हमने उस लास्ट वाले डिजिट का क्यूब करा और वो सम में ऐड करवाया, ठीक है, बस ये एक छोटा सा चेंज किया, रेदर देन सिंपल उस डिजिट को ऐड करवाने के बजाय हमने उस डिजिट का क्यूब ऐड करवाया, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हुआ, उस डिजिट का क्यूब ऐड करवाने से क्या हुआ हमारे पास, कि अब सम के अंदर हर एक डिजिट का क्यूब होगा। अब मैंने कहा ठीक है भाई, अब उस नंबर को जो सम के अंदर डेटा है उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लो, तो मैंने लिखा इफ सम इज इक्वल टू नम। अच्छा अब एक चीज देखो, मैंने लिखा सम इज इक्वल टू नम, बट प्रॉब्लम इज दैट कि यार जब ये लूप चला मेरा तो ये लूप तो खत्म कब होगा, जब नम किसके बराबर हो चुका होगा, 0 के बराबर हो चुका होगा तब ये लूप खत्म होगा। तो मैंने कहा यार ये तो मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि सम के अंदर तो हर एक डिजिट के क्यूब का सम है और नम तो 0 हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि इस लूप को इनिशिएट करने से पहले ये नम की वैल्यू जो है किसी और में डलवा लो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एन नाम से वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने नम की वैल्यू ऐड करवा दी, ठीक है। सो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है सम जो है एस के अंदर आ रखा है और उस नंबर को जो यूजर ने दिया उसको मैंने एन के अंदर भी अलग से स्टोर करके रखा हुआ है, यहाँ से इस स्टेटमेंट तो मैंने एन के अंदर भी डलवा लिया। अच्छा जब ये लूप खत्म होगा तो उस समय नम तो मेरा 0 हो चुका होगा लेकिन एन के अंदर तो ओरिजिनल वैल्यू पड़ी हुई है और एस के अंदर क्या है, हर डिजिट का क्यूब ऐड होके आ गया है। बस अब आप यहाँ पे लिख दो प्रिंट, अगर ऐसा है तो आप लिख दोगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है जी, कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं अगर, सो इन दैट केस आप प्रिंट कर दोगे प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक जी। चलिए अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं, पहले सेव करना पड़ेगा, तो हमने इसको P10 के नाम से सेव कर दिया। नंबर मांग रहा है, सपोज मैंने 153 दे के देखता हूँ तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ गया, बट सपोज अगर मैं कोई और नंबर देता हूँ जैसे 145 दिया, सो आ गया नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि भी ये आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड भी हमारा बन गया। तो ये कोड भी हमारा किससे मिलता जुलता है, अपना वही सम ऑफ डिजिट्स वाले को यूज़ करके मेरा ये आर्मस्ट्रॉन्ग का कोड भी तैयार हो गया। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी आज हम इन दो क्वेश्चंस के साथ ही एंड करते हैं अपना सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग कुछ व्हाइल लूप से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे, सो दैट हमारा लूप्स का कंसेप्ट जो है, चैप्टर जो है, वो कम्प्लीटली ओवर हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।